आज की वीडियो में बात करेंगे हमारी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, जिसे आप ब्रांड नेम राउंडअप या फिर ग्लाइफोसेट जो 41% के अंदर टेक्निकल आता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो टेक्निकल है वो कितने रुपए के अंदर जो बनकर के तैयार हो जाता है या फिर पीछे से ये कितने रुपए का आता है और राउंडअप को बनाने के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, टोटल जो हमारा खर्च है एक लीटर पैकिंग के अंदर वो कंपनी को कितना आ जाता है और उसके बाद में ये फार्मर को कितने रुपए के अंदर सेल करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो जो राउंडअप है या फिर अन्य कोई भी दवाई है जिनका जो टेक्निकल होता है वो मोस्टली पाउडर फॉर्म में या फिर जो दानेदार फॉर्म है वो आती है। 25 किलो के या फिर 200 केजी का जो ड्रम है वो आसानी से जो टेक्निकल के हैं वो मिल जाते हैं। 1 किलोग्राम अगर हम टेक्निकल की बात करें राउंडअप की, मैं आपको थोड़ा सा 6 महीने पहले का जो टेक्निकल रेट है उसके बारे में बात करूंगा। लास्ट के अंदर बात करें कि अभी प्रेजेंट के अंदर जो टेक्निकल का रेट है वो क्या चल रहा है। 6 महीने पहले राउंडअप यानी कि ग्लाइफोसेट का जो टेक्निकल है वो करीबन 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाता था। 200 रुपये प्रति किलोग्राम में आपको 95% की जो क्वालिटी है या फिर जो 97% की क्वालिटी है वो आपको मिल जाती है। 200 किलोग्राम जो टेक्निकल है उसके अंदर से अगर हम बात करें कि जो हमारी राउंडअप है वो कितनी बनती है, 41% जो राउंडअप है वो दी होती है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां मोस्टली 95% या 97% ऐसी कंपनी है जो अपनी राउंडअप के अंदर जो ग्लाइफोसेट टेक्निकल है वो 41% नहीं डालती, वो करीबन आपको 30% या फिर 31 या जो 32% के अंदर है वो मिलेगा। वो क्यों मिलता है उसके अंदर भी हम बात करेंगे कि इसका जो लॉजिक है वो क्या रहता है। मान के चलिए कि अगर 1 किलोग्राम में 41% वाली दवाई है या फिर जो 30% वाली दवाई है वो करीबन हमारा 4 लीटर जो माल है वो तैयार हो जाता है 1 किलोग्राम जो पाउडर फॉर्म का टेक्निकल आता है ग्लाइफोसेट का। 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो हमारा ग्लाइफोसेट का टेक्निकल है वो आ चुका है और 1 किलोग्राम के अंदर 4 लीटर जो हमारी ग्लाइफोसेट है या फिर जो राउंडअप है वो बन चुकी है, यानी कि 1 लीटर का जो खर्चा है वो 200 ÷ 4 करेंगे तो वो करीबन 50 रुपये निकल के आता है। उसके बाद में उस पाउडर फॉर्म के अंदर क्या क्या डलता है उसे लिक्विड भी तो बनाना है ना, 50 रुपये तो अकेला हमारा जो पाउडर फॉर्म है वो आई है। 50 रुपये के बाद में ग्लाइफोसेट के अंदर ऐड होता है, एक तो आता है हमारा C9। C9 क्या है इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो बना दें, क्योंकि अगर C9 के बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आपको आप घर के ऊपर भी जो ये सब दवाइयाँ हैं वो आसानी से बना सकते हो। C9 के बाद में इन दवाइयों में डलता है एक सिलिका। के लिए जो C9 होता है वो काफ़ी महंगा जो टेक्निकल है हम बोल सकते हैं। C9 एक तरह से इमल्सीफायर होता है। C9 करीबन मान के चलो कि 25 लीटर का जो ड्रम है वो फिलहाल 70 से लेकर 75 हज़ार रुपये का मिल रहा है। ज़्यादा मात्रा में C9 किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं डलता, मोस्टली 10 से लेकर 15 रुपये का जो C9 है वो 1 लीटर बोतल के अंदर डलता है। तो 50 रुपये का हमारा जो खर्चा है वो पाउडर फॉर्म का आया। उसके बाद में हम मान लेते हैं कि 10 रुपये का जो C9 है वो हो गया। उसके बाद में सिलिका आता है, वो 5 से 7 रुपये का जो सिलिका है वो डलती है। तो टोटल हमारा खर्चा यहाँ पे हो गया 65 रुपये। उसके बाद में हमारी लगा लो बोतल, बोतल करीबन 15 रुपये में बढ़िया क्वालिटी की जो बोतल है वो आ जाती है। और फिर बोतल के ऊपर जो आप रैपर या फिर जो लेबल लगा होता है जिसके ऊपर नाम वगैरह ब्रांडिंग सारा कुछ किया होता है वो मान लो। टोटल जो खर्च की बात करें वो 1 लीटर हमारा जो माल है वो बन करके तैयार हो चुका है, जो कि 85 रुपये के आसपास पड़ता है, जिसके अंदर हमने 50 रुपये की जो टेक्निकल का पाउडर फॉर्म है वो लगा लिया, 10 रुपये की C9 है, 5 रुपये के यहाँ पे सिलिका है, 15 रुपये की बोतल है और 5 रुपये का जो रैपर या फिर जो लेबल है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। पानी का जो खर्च है वो हमने नहीं लगाया, क्योंकि पानी भी देखिए 70-80% जो पानी है वो रहता है, पानी का यहाँ पर जो खर्च है वो हमने नहीं जोड़ा। इसलिए अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करीबन 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो हमारी ग्लाइफोसेट या फिर जो राउंडअप है वो आज से 6 महीने पहले तैयार हो जाती थी। और मार्केट के अंदर आपको पता है कि 350-380 या 400 रुपये के आसपास ये जो टेक्निकल है या फिर जो ये प्रोडक्ट है वो सेल होता था। अभी करंटली अगर हम टेक्निकल की बात करें तो सारे के सारे जो फंजीसाइड है या फिर जो हर्बिसाइड है उनके जो टेक्निकल है वो महंगे हो चुके हैं। जापान से जो मोस्टली टेक्निकल है वो इम्पोर्ट करवाए जाते हैं। तो फिलहाल जो राउंडअप का टेक्निकल है या फिर जो ग्लाइफोसेट का टेक्निकल है वो 900 से लेके 1100-1100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मिल रहा है। इसीलिए जो टेक्निकल का रेट है वो बढ़ने पर जो प्रोडक्ट का रेट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।